2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बुलाई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बैठक के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा सीएलपी लीडर किरण चौधरी। तो जिस तरीके से बैठक थी और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है, क्या अहम चुनावी जीत का मंत्र दिया है हरियाणा के संदर्भ की बात करें अगर? पिछले 5 साल में केंद्र के अंदर और 4.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर पूरी तरह से बीजेपी की जो नीतियां हैं वो विफल रही हैं। एक भी उनका जो वायदा है वो उन्होंने पूरा नहीं करा है। और आप जानते हैं कि आज हरियाणा के अंदर जो स्थिति है उस स्थिति से लोग जो हैं निजात पाना चाहते हैं, चाहे कर्मचारी हों, चाहे नौजवान बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे किसान हों या मजदूर हों। तो ये तो स्पष्ट है कि अब केवल वो बाट देख रहे हैं कि वोट कब पड़े और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जिंद उपचुनाव के नतीजे के बाद नए नए समीकरण बनकर उभर रहे हैं। राजकुमार सैनी की पार्टी का गठजोड़ हुआ है बीएसपी के साथ, क्या बड़ा परिवर्तन देखते हैं आप हरियाणा की सियासत के लिए आज? देखिए, अब चुनाव के समय ये 100 तरीके के समीकरण बनेंगे, टूटेंगे, आगे फिर बनेंगे, अब क्या मालूम किसका क्या है। मैं तो केवल एक बात कह सकती हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर एक वर्ग को लेकर चलती है, जिसने भाईचारा खत्म करने की बात कभी नहीं करी और जो नीतियों के ऊपर चलकर लोगों का जो है, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, हर एक के लिए नीति बनाकर जो है नेशनल पार्टी है और उन नीतियों के ऊपर हम चलते हैं और काम करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलती है आपकी पार्टी, लेकिन हरियाणा में सभी लीडर एक साथ नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के, गुटबाजी का मैसेज जा रहा है बार बार। ये प्रेस वाले ज्यादा मना रहे हैं इस बात को, कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता आपने देखा नहीं, सारे के सारे सब जब समय आया सब इकट्ठे थे और जो है सारे इकट्ठे हैं, सबने अपने काम करना है, सब अपने अपने इलेक्शन सबने लड़ने हैं। तो आप ये बात गुटबाजी की आप जब कहते हैं तो ये गुटबाजी आप बीजेपी से जाके जरूर पूछिए कि आज जो जितनी गुटबाजी उनके पास है कि उन्हीं के एक सांसद जो है वो सांसद होने बीजेपी के सांसद हैं, गठजोड़ कर रहे हैं किसी और के साथ, तो गुटबाजी तो बीजेपी में है। अच्छा, एक किरण चौधरी जी, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है लोकसभा के और पार्टी संगठन में जिस तरीके से ताकत की जरूरत है, उससे पहले जिनमें उपचुनाव में हार मिली है कांग्रेस को, आपको लगता है ये असर डालेगा? और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, उपचुनाव जो है उनके अंदर मुद्दे अलग होते हैं और जो सत्तासीन सरकार होती है वो 100 तरीके के हथकंडे अपनाती है जो अपनाए गए। और दूसरी बात यह है, इस उपचुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने राजनीति इस तरह की करी कि जो है जाति पाति का जो है ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण किया गया है, जो हमारे हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है। जो है कोई भी सरकार जब इस तरह के हथकंडे अपनाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई सरोकार नहीं है, आगे आपको बढ़ाने से कोई सरोकार नहीं है। जो उनके 154 वायदे उन्होंने जो दिए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो सारे के सारे जुमले साबित होकर रह गए हैं। तो ये इनसे इसके ऊपर जो है आने वाला जो चुनाव है वो इसके ऊपर लड़ा जाएगा कि भ्रष्टाचार कितना जबरदस्त हो रहा है। आपने देखा आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो है किसान जो है वो खुदकुशियां कर रहा है, कितना फार्म स्ट्रेस आ गई है, महिलाओं महंगाई का इतना जबरदस्त मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े और अगर गठबंधन की बात करें तो खासतौर से इस बैठक में गठबंधन पर अलग अलग राज्यों के नेताओं ने बयान दिए हैं कि गठबंधन पर विशेष चर्चा हुई है। हरियाणा की बात करें तो क्या गठबंधन की कोई संभावना देखती है वहाँ पर? हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह सशक्त है और हमारे को किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। गठबंधन वो करते हैं जो सशक्त नहीं होते। धन्यवाद बात करने के लिए। और किरण चौधरी सीएलपी लीडर हैं हरियाणा की, लिहाजा हरियाणा के संदर्भ में जो सियासी रणनीति पर चर्चा हुई है उसका ब्यौरा दे रही थी, साथ ही कई बातें भी कह रही थी। दूसरी तरफ जिस तरीके से समीकरण बनकर उभर रहे हैं, खासतौर से हरियाणा में राजकुमार सैनी की पार्टी का गठजोड़ हुआ है बीएसपी के साथ, उसको चुनौती मानने से इनकार कर रही हैं, कांग्रेस की रणनीति बता रही हैं। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।